अब आज पीएम ने खुल करके कहा इसका अपने वोट बैंक के लिए जाति की बात नहीं करता, ये मतलब मुसलमानों के अंदर जाति की बात नहीं करता। वो आदमी क्या था, एक तो नरसिंहानंद से इन्होंने बवाल किया, उसने वोटिंग से 2-3 दिन पहले उपद्रव किया, वो अयोध्या में जाके उसने कैसा नाटक किया, वो राम मंदिर को गाली, भगवान राम को गाली, प्रधानमंत्री को गाली, वो सबको गरियाता हुआ घूमा। अरे देश का प्रधानमंत्री ऐसे कैसे बोल सकता है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान क्यों कर रहा है? हिंदुओं को जाति में बांटने का, ब्राह्मणों क्षत्रियों मतलब अपर कास्ट के खिलाफ घृणा फैलाने का काम, जबकि इसके जितने चमचे बेलचे हैं, ये जो बैठा हुआ जितना चमचा बेलचा है सब अपर कास्ट के हैं। अब आज पीएम ने खुल करके कहा इसका अपने वोट बैंक के लिए जाति की बात नहीं करता, ये मतलब मुसलमानों के अंदर जाति की बात नहीं करता, हिंदुओं को जाति में बांटना चाहता है। बहुत लोग कहेंगे प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू पटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। जहां चोट लगनी चाहिए वहां चोट मारी है आज पीएम ने। बिल्कुल सही चोट मारी है और वो सारी बातें समझ रहे दर्शकों को आज जरा फिर से याद दिला दूं मनीष जी कि जिस समय हरियाणा का चुनाव एकदम चरम पे था तो उस समय क्या हिंदुओं की तरफ से कौन पैदा हुआ, वो यति नरसिंहानंद। वो नरसिंहानंद उसका मनीष जी मैंने निकाला है पूरा, अब उस पर हम लोग कल बात करेंगे कि वो आदमी क्या था। एक तो नरसिंहानंद से इन्होंने बवाल किया, वो उसने वोटिंग से 2-3 दिन पहले उपद्रव किया, और उससे पहले चले जाइए तो मनीष जी मुझके मेरे ख्याल से हरियाणा के चुनाव से हफ्ता या 10 दिन पहले वो जो कांग्रेसाचार्य उमाशंकर दुबे वो अयोध्या में जाके उसने कैसा नाटक किया, वो कि राम मंदिर को गाली, भगवान राम को गाली, प्रधानमंत्री को गाली, वो सबको गरियाता हुआ घूमा कि किसी तरह हिंदू जो है डाइवर्ट हो। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये सीधा सीधा ऐसे नहीं दिखता जो आप सोच रहे कि वो एकदम सामने आ जाएगा। ये कैसे घुमाकर कान पकड़ते हैं और कैसे लोग इनके लिए काम करते हैं, तो इसका उदाहरण वो कांग्रेसाचार्य और वो यति नरसिंहानंद, उसके पीछे कुछ लोग बड़े दीवाने हैं। उसकी कल असलियत बताऊंगा, कल बताऊंगा असलियत, तो आप लोग दांतों तले उंगली दब जाएगी कि कैसे आदमी को आप समर्थन दे रहे थे। तो वो इस टाइप के लोगों को उन्होंने उतारा मैदान में। और मुसलमानों की जो बात की मनीष जी, तो आप भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को ये कहेंगे कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये हमेशा यही नैरेटिव सेट करते हैं जब ये फंसते हैं। अरे देश का प्रधानमंत्री ऐसे कैसे बोल सकता है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान क्यों कर रहा है? और मेरा कहना है कि देश के प्रधानमंत्री को रात और दिन हम रोज हिंदू मुसलमान करना चाहिए।
इनको आग क्यों लगती है? ये जब प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान करते हैं तो ये उस हिंदू मुसलमान का जवाब दो अगर वो गलत कह रहा है देश का प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री यूपी में आकर पूछते हैं कि अखिलेश यादव तुमने मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपया दे दिया और हिंदुओं को 2 करोड़ रुपए उनके शमशान के लिए नहीं दिए, तो ये देश का प्रधानमंत्री नहीं पूछेगा तो क्या इनके बाप पूछेंगे आके? कौन इसका हिसाब किताब लेगा तब ये? क्योंकि इनको जवाब नहीं होता कि मुसलमानों को 200 करोड़ रुपए और हिंदुओं को हमने 2 रुपए नहीं दिए, तो ये हल्ला ये उसका जवाब देने के बजाय उस सवाल का कोई उत्तर हो इनके पास, ये हुड़दंग शुरू करते हैं। अरे देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री को हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? तुम जवाब हिसाब दो, जवाब दो वो क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए ये प्रधानमंत्री तय करेगा। और वो कोई गैर संवैधानिक भाषा नहीं बोल रहे थे, तुम्हारा गैर संवैधानिक कुकर्म वो बता रहे थे। तो ये इस तरह का हमेशा नाटक करते हैं, लेकिन मनीष जी हमेशा फंसते हैं, ये हमेशा फंसते हैं और अब की ये बहुत बुरे फंसे हैं।